वालेकुम, मैं हूँ जवेरिया सिद्दीकी और मैं हूँ फैसल हरल। और मुशी भाई के साथ साथ हम भी इंडिया को विजिट कर रहे हैं। जैसे जैसे वो जहाँ जहाँ जा रहे हैं हम भी वहाँ वहाँ पीछे पीछे जा रहे हैं। बचपन से जब मैंने वो मूवी देखी थी ना काजल, और उसमें करीना भी थी, ऋतिक रोशन भी थे और शाहरुख खान नाम भी क्या थे। था? पता नहीं उसका नाम क्या था, बहुत मजे की मूवी थी। वो चांदनी चौक पे रहती थी काजल, वो कहती थी हमारी कभी हलवाई खुशी की कभी कभी गम, कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम, वो कहती है हमारी कभी मुशी कभी हम। चलो ये एक एमी बस फजूल साहब ने यार एक जोर दिया। अच्छा है, शेर भी है, पता नहीं कुछ है ये। बट हमने तब वो सुना था ना कि हमारी हलवाई की दुकान हड़पना चाहते हो, शाहरुख खान को ऐसे बोलते हैं और वो चांदनी चौक में रहते हैं। तो तब से मुझे चांदनी चौक का पता है, मुझे आइडिया है कि ये दिल्ली में चांदनी चौक मौजूद है। तो अभी देखते हैं कि मुशी भाई क्या मुशी वहां पे भाई जो है चांदनी चौक पे क्या चमकदार कर रहे हैं। तो इस वीडियो का टाइटल जो है वो पढ़ लेते हैं, चांदनी चौक दिल्ली फोर्ट पाकिस्तानी विजिटिंग इंडिया। तो मुशी भाई मुझे लगता है पूरे 1.5 साल या 2 साल का ठेका लेकर गए हैं। जिस तरह वो स्लो स्लो हर एक एक चीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं, बहुत टाइम है। बटला हाउस और पता नहीं। बिल्कुल, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम एवर भैया, अगर मार देता तो वो फिर सही बात है। इतना रश है यार के चल जाए। क्या नाम है? ऋतिक रोशन वाला। यार मुझे है चुगली है। लो भाई ऊबर ऑर्डर कर दी है चांदनी चौक के लिए। चांदनी चौक टू चाइना। ये आ रहे हैं हमारे कोई राहुल भाई, राहुल कश्यप वो आ रहे हैं। तो आज आपको उनकी गाड़ी का पूरा नंबर दिखा दिया इसने। चांदनी चौक सारे इस नाम से वाकिफ है। हाँ जी भैया, क्या हाल है? सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। सबसे मशहूर जगह ना सिर्फ भाई दिल्ली की बल्कि इंडिया की है ठीक है। और बहुत ही बढ़िया भाई मेरे साथ है, बड़े प्रोफेशनल ऊबर ड्राइवर है राहुल भाई। राहुल नाम तो जानते ही होंगे। राहुल नाम तो सुना होगा। कुछ कुछ होता है भाई आपको, लेकिन नाम बड़ा है आपके लिए है। राहुल भाई बड़ा मार्शल लगा के प्रोफेशनल तरीके से ऊपर चलाते हैं। क्या बात है, अभी होगा क्या? उत्तर प्रदेश मिर्जापुर। अम्बेडकर नगर। कितना दूर है अम्बेडकर नगर? बस 200 किलोमीटर। तो मिर्जापुर से 200 किलोमीटर दूर है। जब आपको दिखाते चांदनी चौक जाते हुए रास्ता, आधा घंटा दूर है हमारे घर से। ये लड़ाई हो गई भाई, गाड़ी वाड़ी ठोक गई है, बाइक वाले ने ठोक दी गाड़ी। बाइक वाले ने ठोक दी। ये ऐसे ऐसे नहीं जैसे हमारा लाहौर का कनाल वाला सीन है, ऐसे ऐसे शुरू हो गया ओल्ड दिल्ली का एरिया। ओल्ड दिल्ली बहुत मिलता जुलता है। हाँ ऐसे लगता है, अपना ये फील होती है यार, अपना अपना। और ओल्ड दिल्ली की खासियत ये है यहाँ पे वो साइकिल रिक्शा चलता है। साइकिल रिक्शा अभी भी चलता है जो हाँ ये देखो भाई, हाँ एक एक साइकिल रिक्शा इलेक्ट्रिक वाला भी खड़ा हुआ। इलेक्ट्रिक साइकिल रिक्शा ओले ओले से आवाज चलती है। ओले ओले से आवाज चलती है। ये शाहरुख खान का यहाँ कहाँ होता था? हाँ यही है ना पुरानी दिल्ली, यही तो है। हाँ देखो कुत्ते भी ज़ेब्रा क्रॉसिंग से, कुत्ते भी ज़ेब्रा क्रॉसिंग यार। कुत्ता वैसे बाकी ज़ेब्रा क्रॉसिंग राहुल भाई ट्रैफिक का पालन कर रहा है भाई। ये देखो कैसे ऑर्गेनाइज तरीके से। ये माइक मेरी गाड़ी में पहले लगा हुआ था, जो डैशबोर्ड पे लगा हुआ है ना, ये पहले मेरी गाड़ी में भी लगा होता था इस तरह। क्या है ये? हाँ अच्छा, ये पीछे वाली साइड वो लाल किला वाला साइड देखा था, वो तो बहुत भीड़ भाड़ वाला है भाई। ये साइड वाला है। अच्छा 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 अच्छा, इसके पीछे है। ओके लो भाई, ये ऐतिहासिक लाल किला खूबसूरत। और वो देखे ऊपर ब्यूटीफुल तिरंगा। भैया आपका क्या नाम है? अभिषेक। अभिषेक राजपूत, यही था वो बंदा जिसे मैं ढूंढ रहा था। अभिषेक भाई कैसे हो? ये अभिषेक भाई कह रहा है यहाँ बंदे बंदे को जानता हूँ मैं।
देख रहे हो किस तरह इंडियंस जो है पाकिस्तानी को सब पता भैया आपको मिलके घूम फिरा रहे हैं लिखते भी है ये क्राउड लिखते भी है क्राउडी प्लेयर नाइस एडिटिंग नुशी भाई क्या बात ये भैया हम तो राहुल भैया के साथ टैक्सी में आया है ठीक है लेकिन राहुल भैया मेट्रो सीधी सीधी आती है ये पाकिस्तान और इंडिया की सेम चीज है ट्रैफिक ट्रैफिक जैम खड़े हुए वो खड़े चले गए राहुल भाई कह रहा है मेरा रोज का राहुल भाई रोज का काम है यहाँ पे आना है रोज का है भाई रोज का है ऐसे कोई टेंशन नहीं है और भी परेशान हो रहा है कि यार ये फंस गए परेशान नहीं हो रहा ये निकाल दी राहुल भैया अभी राहुल भैया को मार देता ये आज राहुल भैया को गाड़ी ठुकवा के जाएगा क्या निकाल दो चांदनी चौक अल मशहूर चांदनी चौक चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक से क्या था बोले हुए चटनी चटाई सब पता है आपको चटनी चटाई वाला आई ये है भाई ये शो भाई इस टाइम में मौजूद हूँ द वन एंड ओनली लेजेंडरी क्या कहूँ इस जगह को चांदनी चौक ना सिर्फ दिल्ली ना सिर्फ हिंदुस्तान पूरे दुनिया में जगह मशहूर है वो क्या था चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में बोले क्या चटनियाँ चटाई तुमसे ना हो पाएगा जो भी था लेकिन अभी इतनी दुकानें हैं यार ये आप रश देख सकते हैं ये वो जो है हौले हौले से हवा साइकिल भाई है इनके साथ अनुष्का शर्मा भी आई थी लेकिन ये नाराज हो गए भाई भी बात करते हैं लेकिन बाबा जी कह रहे हैं अगर अनुष्का शर्मा मेरे साथ बैठती सेट हो जाते हैं काम कर देगा ना आपका भाई क्या नाम है आपका अच्छा भाई यहाँ बड़ी फेमस एक दुकान है जलेबी वाली यार ये तो शुगर लगा रहा है जलेबी वाले 100 साल पुरानी है 100 साल पुरानी है खाते हैं चेक कराते हैं यहाँ 100 तरह के खाने हैं तो देखते हैं यहाँ के खाने कैसे हैं पहले स्टार्ट करते हैं मीठे से हालांकि मीठे से स्टार्ट होता नहीं फिर भी करते हैं स्टार्ट करते हैं मीठे से अबे एंडिंग होती है मीठा इतना रश है यार के ये है लेजेंडरी जलेबी वाला समोसे वाला अब आपको दिखाते हैं क्या है ये देखो भाई ओल्ड जलेबी वाला द फेमस द लेजेंडरी अच्छा दुकान इन्होंने वही रखी हुई है ये नहीं कि 4-5 दुकानें कर दी वही छोटी सी शॉप है और ये भैया फैमिली का इनका बिजनेस है और इनके जलेबी और समोसे वाला ये देखो समोसे ऐसे सीसी की दिल कर रहा है समोसे मंगाया 1884 अबे भाई ये तो दादा भी नहीं मारे जब पैदा हो गए तब की दुकान है बहुत पुरानी है तो 1800 इतनी पुरानी कैसे हो सकती है हाँ, हाँ, तभी तो उन्होंने आपको वो दिया था तब गोरे थे वो आज तक बरकरार है भाई क्या बात है नेमचंद जैन जी वो देखें उनकी तस्वीर लगी हुई तो हाइजीन भी बड़ा ख्याल रखते हैं कितना साफ तेल है देखे भाई कितना साफ है यार घी है ये देखे भाई घी इतना साफ सुथरा रखा हुआ है हालांकि सारा दिन जलेबियां बनती है और ये शीरा है जिसमें जलेबियां मीठी होती है तो आपको दिखाते हैं यार क्या सीन है भाई मैं वहाँ चला गया जलेबी लेने वो कहता लाइन में लगो वो सीन नहीं है गए और मिल गई तो यहाँ पे प्रोटोकॉल नहीं है सब बराबर है अच्छा पहले जाके बड़े ब्लॉग्स की कर रहा है फिर आके लाइन में लग गया जैसी लाइन खत्म होती है फिर आप जलेबी भी लेंगे समोसा भी लेंगे और आपको टेस्ट कराएंगे ये बड़ी डिफरेंट तरह की है ऐसी खाई नहीं मैंने लाइफ में बहुत रश है 4-5 लोग तो इनकी स्पेशलिटी है भाई बिक रही है और जलेबी के ऊपर ये तली मिली डाल के देते हैं ये वाली जलेबी खानी है एक तो ऐसी जलेबी भी चाहिए ऊपर से ये बदले ऊपर क्या डाल दिया रबड़ी वाली रबड़ी जलेबी करते हैं देखते हैं आपको बताते हैं क्या है चम्मच से नहीं हाथ से यार हाथ से करेंगे भाई वो बहुत मोटी है भैया जलेबी और ये रबड़ी भैया की सूखी इस्तेमाल कर रहे हैं भैया भैया की मोहब्बत है लेकिन आपका भी प्यार है आपकी स्कूटी का भी है जगह का भी असर करता है तो भाई उनकी स्कूटी भी रख के खाया बोला दुबारा हो गया क्या बात है सर आप टेस्ट करें तो बताए जरा क्या कहते हैं
बहुत बढ़िया थी, ओल्ड इज गोल्ड है और जैसे घी के मजे हैं। अच्छा ये स्वीट भी बड़ी बराबर की स्वीट है, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा है बहुत। हाँ स्वीट जो इसमें ऊपर ये डला हुआ है रबड़ी, ये भी ज्यादा स्वीट नहीं है। ये बात है यार, ये भाई पुराने कब से आ रहे हैं, वो भी फर्स्ट है। मेरी तरह ही है यार। अच्छा फिर तो आप सही रिव्यू दे सकते हैं, बहुत बढ़िया। ये दिल्ली की है, ये दिल्ली के यार, लेकिन दिल्ली के होके पहली दफा आ रहे हैं। अच्छा चलो खैर, नहीं आए होंगे तो बहुत साल पहले आए, बहुत साल याद ही नहीं, रिसेंटली भाई इससे दिल नहीं भर रहा। हालांकि मैं मीठे का इतना शौकीन नहीं हूँ, लेकिन दिस इज समथिंग ऐसे यार, मीठा पसंद है। हां मुझे तो पसंद है। कितना जलेबियां और बर्फियां, बहुत ज्यादा अगर मीठा हो तो फिर नहीं। भाई ने कहा था खाओगे तो उंगलियां चाटोगे, मैं कहा ऐसे ही बात है, सही कह रहा है ये वाला भाई, सही है ये भी। अच्छा भाई ये दो इनके समोसे हैं, एक आलू वाला एक मटर वाला, मटर वाले समोसा हम दोनों ट्राई करेंगे। जलेबी तो भाई सब्जी वाला नहीं नहीं, मटर मटर जितना है वो समोसा खाते हैं, लेकिन देखते हैं वो आलू का होता है, चिकन का होता है, लाइक हमारे यहाँ तो मैक्रोनी का भी होता है ना, आलू समोसा। ओए होए 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 भाई, यहाँ वीडियो बनाना भी मसला है, लोगों पैसे जान। अच्छा इनके समोसे ऐसे गोल गोल से होते हैं, स्टफ्ड से होते हैं। लेना समोसे वो तो एक आर्ट है ही है, तो खाना भी एक आर्ट है। देखो क्या हो रहा है, किसी की बाइक यूज कर रहा हूँ मैं, किसी की बाइक यूज कर रहा हूँ। मटर वाला, मटर वाला आलू वाला अच्छा, आलू वाला और मटर वाला। तो पहला एक्सपीरियंस चांदनी चौक का बहुत बढ़िया रहा, आलू वाला। तो आई होप आप आएंगे, आपने एंजॉय की होगी वीडियो। ये जो एनवायरनमेंट है ना, असल नंबर उसके हैं भाई, जिंदगी बहुत अच्छी थी। तो अब हम चलते हैं जगह, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और इस बंदे जो है ना, इसने क्या आपका चल जाएगा, ऐसे ही चल जाएगा। क्या नाम है, यार उमर तगड़ा है, वो चीज है उमर है, वो नाम का रिस्पिक है असल, ये है ये साई वाला दे रहा है ये भाई, नेव निधि यार, क्या नेव निधि प्योर वेजिटेबल है भाई। नेक्स्ट व्लॉग की बात हो रही है, सो मुशी भाई बहुत इंजॉय करते हैं हम आपके व्लॉग्स को, क्योंकि आपके व्लॉग्स में फन भी होता है, कॉमेडी भी होती है, नई नई ह्यूमर होता है, और उसके अलावा डिशेज होती हैं। अभी आज मुझे भी ये पहली दफा पता चला है कि समोसे जो मटर वाला समोसा भी होता है, आलू वाला, चिकन वाला, सब्जी वाला होता है, सब्जी का समोसा होता है, और नूडल्स वाले भी बनते हैं इंडिया में तो, लेकिन मटर वाला पहली बार मैंने सुना है। तो ये मटर वाला समोसा कैसा होता है, लाइक मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ये भी अगर किसी ने खाया है तो वो जरूर बताए, और अगर कोई उधर से भेज सकता है, यार ये वाघा बॉर्डर है यार, चलते हैं जाके कोई उधर से आ जाए हमें दो प्लेट बना दे। वो मुझे याद आ गई मूवी जिसमें वो कहता है कि मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ इमरान अब्बास की, तो वो कहता है अच्छा चार पांच प्लेटें मेरे लिए भी लेते हैं ना, वो वाघा बॉर्डर वाला, तो वो वाला सीन हमारे साथ भी याद लग जाए कभी यार, वाघा बॉर्डर चलेंगे उस साइड पे, वो अलाउ नहीं है, अलाउ नहीं है, चांदनी चौक का कुछ नहीं पकड़ा सकते आप, चांदनी चौक का वहां पे कुछ नहीं खा सकते। सो यार मुशी भाई आपका व्लॉग अच्छा था, आप इंडिया को विजिट खुद कर रहे हैं और हम यहाँ से बैठे हुए साथ साथ आपकी विजिट कर रहे हैं, और इसी तरह आप ये हमें जो है नई नई डिशें पता चलती हैं, नए नए खाने, और चांदनी चौक में अब क्या क्या है आगे वो भी चीजें नजर आएंगी। तो अभी इस व्लॉग में तो चांदनी चौक से कौन कौन है दिल्ली में, अगर कोई रहता होगा तो ओल्ड दिल्ली में चांदनी चौक तो वो गया ही होगा, और चांदनी चौक की और कौन कौन सी स्पेशल डिशेज हैं खाने पीने की, या क्या मशहूर होता है वहां पे, हमने तो सिर्फ वही देखी हुई है ना, कभी खुशी कभी गम, या फिर अभी हमने ये देखा है, और इनको भी ना थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना चाहिए था, थोड़ा सा व्लॉग थोड़ा सा लंबा बनाना चाहिए था, तो वो ना स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, मतलब कि 10-11 मिनट में एक चीज दिखा देते हैं, फिर अगले 7-8 मिनट में दूसरी चीज, तो वो एक दिन से लगते हैं आगे तक जाते रहते हैं, पूरे दिन में शूट करते हैं, और फिर उनको अलग अलग चंक्स में जो है ना वो डाल रहे हैं। लेकिन ठीक है यार, मतलब अगर 10-11 मिनट में हमें दो चार चीजें नजर आ जाती, फिर अगले 10-11 मिनट में दो चार चीजें अच्छा, मजे का चांदनी चौक है। हाँ, तो चांदनी चौक को अभी और मजीद एक्सप्लोर करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। तो अगर अच्छा, किसी के पास क्या नाम था इसका दुकान का, जलेबी वाला जलेबी वाला से किस किसने जलेबी खाई है, वो भी और वो गोल गोल जलेबी और ऊपर जो मक्खन रबड़ी। तो इधर हमारे लाहौर में भी एक ग्राटो की जलेबी है, बहुत मुझे पसंद है, बहुत मजेदार होती है। तो जो पाकिस्तानी फूड्स है ना वो बहुत मजेदार है,
क्योंकि इंडिया के फूड्स हमने टेस्ट किए नहीं है। सुना ये है कि इंडिया के फूड्स बहुत मजेदार हैं, बहुत एक्स्ट्रा मजेदार हैं, लेकिन पाकिस्तानी फूड्स भी किसी से कम नहीं है। दूध रबड़ी, वो दूध जलेबी खाई है, वो गरम गरम से दूध होता है, दूध होता है उसमें जलेबी होती है, जलेबी होती है वो यहाँ पे होता है, रबड़ी जलेबी नहीं होती यहाँ पे। वो भी एक अलग एक्सपीरियंस होगा अगर हम ट्राई करेंगे तो। आप अपनी ओपिनियन बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या पसंद है, और चांदनी चौक कौन कौन गया है, जितने भी लोग गए वो सारे लाइक करें, शेयर करें, और बाकी भी लाइक शेयर करें, जितने भी नए आए हैं, जो पुराने हैं वो तो उन्होंने तो किया होगा, वो बेल आइकन को प्रेस कर लें, और जो नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियोस यार शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ। इंजॉय करते हैं हम ये, हम पे बैठ के इंजॉय करें, आप भी, हम भी, हम भी इधर बैठ के इंडिया की वो चीजें देख रहे हैं, आप हमारे साथ थ्रू हमारे रिएक्शन वो चीजें देख रहे हो, तो यार एक एक बाउंडिंग बनती है, एक बाउंडिंग बनती है, ये आईडिया होगा ना कि हमारी चीजें कैसी हैं, कैसे पसंद की जा रही है, नहीं पसंद की जा रही है। तो ये इनसाइड रिएक्शन की जो फैमिली है वो भी हमारी फैमिली की तरह ही है, हम एक दूसरे के साथ गप्पे शप्पे मारेंगे थ्रू वीडियोज भी और थ्रू कमेंट सेक्शन में। तो हमें दें इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।